काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो गैस के पार्टिकल हैं वो रैंडम मोशन करते हैं रैंडम मोशन करते हैं तो फिर वो इधर उधर टकराते फिरते हैं तो फिर उनके पास कुछ पाथ लेंथ इस तरीके से आती है जैसे ये लेमडा वन है ये लेमडा टू है ये लेमडा थ्री है वो अलग अलग पार्ट ट्रेवल करते हैं फिर उनके कोलिजन होते हैं इस तरीके से वो मूव करते रहते हैं ब्राउनियन मोशन इसको बोला जाता है हमारे पास एक वैल्यू होती है लेमडा वो होता है लेंथ ऑफ मीन फ्री पाथ या फिर इसको बोला जाएगा मीन फ्री पाथ इसके डेरिवेशन मिल जाएंगे एम की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है हमारे पास वन अपॉन अंडर रूट टू द मॉलिक्यूल और जो एन होता है वो होता है नंबर डेंसिटी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ठीक है अच्छा इसी तरीके से एक और पैरामीटर डिफाइंड है वो है हमारा टाओ एम इसको हम बोलते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम मीन रिलैक्सेशन टाइम इसका मतलब कि यहां से यहां पर वो जो चला है वो तो लेंथ हमारे पास लेमडा एम उनका एवरेज ले लिया लेकिन इनके कोलिजन के बीच में कुछ कुछ समय लगा होगा है ना थोड़ी थोड़ी देर में वो टकरा रहे हैं तो वो एवरेज टाइम की वैल्यू क्या है उसका जो फॉर्मूला जाता है वह आ जाता है वन अपॉन अंडर रूट अंडरू पाई एन डी स्क्वेयर मतलब यही वाला डिस्टेंस है बेसिकली डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वी एवरेज कर दोगे तो आपको टाइम मिल जाता है इसी को डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है वी एवरेज से है ना वी आर एम एस नहीं है ये ये वी एवरेज है दिस इज अंडर रूट ऑफ एट आर टी अपॉन पाई एम गलत मत करना दिस इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट थ्री आर टी अपॉन एम ये नहीं है हमारी ये वाली चीज हमें यूज करनी है दो फॉर्मूले इन फॉर्मूले को काफी सिमिलर दिखने वाले फॉर्मूले इनको याद कर लो इस पे बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ए एंड बी हैविंग द सेम नंबर डेंसिटी तो हमें नंबर डेंसिटी दे दी है द डायमीटर ऑफ ए एंड बी आर इतना एंड इतना भी दे दिया है दिस सफर कोलिजन एट रूम टेम्परेचर द रेशियो ऑफ एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल ए टू दैट ऑफ बी बिटवीन टू सक्सेसिव तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है है वो सक्सेस एम ऑफ ए डिवाइडेड बाय लेमडा एम ऑफ बी यहाँ पर हमारे पास लेमडा एम मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वन अपॉन रूट टू एंड डी स्क्वायर अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बेस्ड फॉर्मुला गया है तो रखो वैल्यूज आंसर निकालो का करेक्ट आंसर है ट्वेंटी फाइव कैसे आया देखो यहाँ पर ये तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा एन की वैल्यू भी दोनों में सेम दे रखी है हमें इसको एक्चुअली यूज भी नहीं करना पड़ेगा हमारे पास सिर्फ डी स्क्वायर का रेशियो आ जाने वाला है और क्योंकि डी डिनोमिनेटर में है तो इसका वाला यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा दिस विल बी इक्वल टू डी ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन डी ऑफ बी का स्क्वायर वैल्यू रखो डी ऑफ बी कितना है ए का था टेन बी का है फाइव ये हो जाएगा ए का था टेन का स्क्वायर बी का था फाइव का स्क्वायर दिस विल बी ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड यानी कि पॉइंट टू फाइव और हमसे पूछा है टेन रेजु पावर माइनस टू में तो दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेजू पावर माइनस टू तो हमारा जो आंसर हमें लिखना है वो हो जाता है ट्वेंटी फाइव स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड चार मार्क्स आइडियल गैस एन ए क्लोज कंटेनर इज हीटेड वेरी स्लोली विच ऑफ विल बी करेक्ट आफ्टर सम टाइम तो यहाँ पे देखो हो क्या मल्टीपल करेक्ट हमें चीजें बताने इसको हम हीट कर रहे हैं हीट करने से क्या होता है पहली बात तो हमारे पास मीन पाथ और फॉर्मुला बेस्ड यहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाएगी लेमडा एम की वैल्यू क्या आती है वन अपॉन रूट टू बाई एन डी स्क् और हमारे पास टाओ एम की वैल्यू आती है लेमडा एम अपॉन वी ए वी जी या फिर इसी को आप लिख सकते हो वन अपॉन रूट टू पाएन डी स्क्वायर इंटू वी एवरेज कितनी हो जाती है अंडर रूट ऑफ एट आर टी अपॉन पाए पर एक चीज में टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता है दूसरी में टेम्परेचर का फर्क पड़ रहा है तो ऑप्शन क्या, क्या क्या है मीन फ्री पाथ विल रिमेन सेम तो एक्चुअली यार मीन फ्री पाथ में टेम्परेचर का कोई काम नहीं है तो बेसिकली ये होता क्या है जब आप इसको हीट कर दो आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो मॉलिक्यूल फास्ट 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 इस तरीके से भागने पड़ते हैं मान लो हमारे पास किसी ट्रेजेक्ट्री ऐसी जा रही थी पहले यहाँ से यहाँ तक जाता, से है, जाता, से जाता है फिर यहाँ से टकराता है फिर इधर जाता है फिर यहाँ से इस तरफ टकरा करके इधर जाता है फिर यहाँ से इधर जाता है तो इस तरीके से किसी पार्टिकल का मान लो ब्राउनियन मोशन हो रहा था टेम्परेचर से बढ़ाने से वो और तेज़ी से ये सब चीज़ें करता है तो उसका जो कोल्यूजन के बीच का टाइम है वो छोटा हो जाता है लेकिन जो डिस्टेंसेज ट्रेवल हो रहे हैं वो उतने के उतने ही रहते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस उतना ही रहता है टाइम छोटा हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा टाइम छोटा हो जाएगा मीन पाथ विल रिमेन सेम एल बी आर करेक्ट आंसर एंड टाइम बिटवीन कोलिशन विल डिक्रीज हो जाएगा ए एंड करेक्ट आंसर ये जो वीडियो आपने देखा ये था एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का जहां पर सिर्फ चालीस क्लासेस में दो दो घंटे की हमने कंप्लीट इलेवंथ और ट्वेल्थ की फिजिक्स को कवर किया है बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफ प्रीवियस इ्वेशन को भी इंक्लूड किया गया है कलरफुल ग्राफिक्स हैं ताकि सब कुछ आपके दिमाग में सीधे घुस जाए और आप अच्छे मार्क्स ला पाओ जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो तो आ जाओ लिंक इज अंदर डिस्क्रिप्शन साथ में आपको कलरफुल नोट्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल है लिंक इज अंदर डिस्क्रिप्शन जरूर उसको चेकआउट करना और मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करो हम मिलेंगे जल्दी